नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भोपाल ने निकाली रिक्तियां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल ने ट्रेड अप्रेंटिस के 300 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इसके साथ ही ट्रेड की भी जानकारी साझा की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित ट्रेडों में 10वीं पास, ITI आदि की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। इच्छुक योग्य उम्मीदवार 22 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट bplcareers.bhel.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में चक्का जाम का नहीं दिखा व्यापक असर। बिहार समेत पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया गया था, जिसके तहत किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम का चक्का फंसा नजर आ रहा है। आलम यह है कि बिहार के किसान जरा भी भाव देते दिखाई नहीं दिए हैं। यही कारण है कि सुबह 9 बजे तक बिहार के किसी भी इलाके से चक्का जाम का कोई प्रभाव देखने को मिला ही नहीं है। गया और नवादा जैसे शहरों में वामपंथी दलों ने चक्का जाम के समर्थन में सड़क पर उतरने की अपील की थी। वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने भी सड़कों पर उतरने का आह्वान पहले कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने बाईपास पर चक्का जाम किया था। बिहार के जयनगर से नेपाल के लिए जल्द ही शुरू होगी ट्रेन की सुविधा। बिहारवासी और नेपाल वासियों के लिए खुशखबरी। बिहार से नेपाल जाने वालों के लिए जल्द ही बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है। इसको लेकर आमान परिवर्तन का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है, जिसके बाद अब इस रूट पर ट्रेन का संचालन करने के लिए SOP यानी कि मानक संचालन प्रणाली की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। खबरों की माने तो बिहार से नेपाल के बीच ट्रेन चलाने के लिए नेपाल सरकार ने कोंकण रेलवे से 2 डेमू ट्रेन की खरीदारी कर दी है। इसको लेकर हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी जानकारी दी थी, जिसके तहत उन्होंने सदन में बताया था कि जयनगर और कुर्था के बीच आमान परिवर्तन परियोजना का काम 548 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2018 में ही पूरा किया जा चुका है। नेपाल सरकार की टिप्पणी के साथ ही इस रूट पर परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में आज से शुरू हुई कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर काम जारी है। पहले चरण के काम के बाद बिहार के सभी 38 जिलों में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन का काम पूरा होने के पहले ही दूसरे चरण के अभियान की घोषणा कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के इस फेज में पुलिस, नगर निगम, सैनिक, रेलवे, हेल्थ केयर्स, ऊर्जा, मानव संसाधन जैसे विभागों से जुड़े कर्मियों को वैक्सीनेशन देने का काम शुरू हो चुका है। दूसरे फेज के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 फरवरी तय की गई है। राज्य में अब तक 1,99,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का निबंधन वैक्सीनेशन के लिए हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण के टीकाकरण अभियान में अब तक 56.7% ही टीकाकरण हुआ है। सरकार जागरूकता अभियान के तहत वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने में भी जुट गई है। जानबूझकर जमीन के दाखिल खारिज लटकाने वालों की अब खैर नहीं। बिहार में अब लंबे समय तक जमीन के दाखिल खारिज को लटकाने वालों पर अब सख्ती से पेश आया जाना है, जिसके तहत अब बिहार में किसी का भी दाखिल खारिज का मामला लंबे समय तक अटका नहीं रहेगा। ऐसा करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं रहने वाली है। इसको लेकर अब DM मॉनिटरिंग करने वाले हैं, जिसको लेकर यह पता लगाया जाएगा कि किस अधिकारी के स्तर पर कितने मामले अब तक लंबित है। इसको सूचना संबंधित जिले के DM को हर हफ्ते दी जाएगी। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा मामलों का निष्पादन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने का काम भी किया जाएगा और पेंच फंसाने वाले अधिकारियों को दंड दिया जाएगा। अब सड़क खोदने और बैनर लगाने वालों की भी खैर नहीं। बिहार में आम नागरिकों पर सरकार की तरफ से समय समय पर काफी सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने एक बार फिर से सड़क खोदने वालों और बैनर लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पथ निर्माण विभाग ने यह साफ कर दिया है कि सड़कों पर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाई तो अब उनकी खैर नहीं है। ये होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उस पर FIR भी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही अगर आरोपियों ने सड़क खोदने का काम किया तो उसको ठीक करवाने में जितने रुपयों का खर्च आएगा वो उन्हीं अपराधियों से वसूला जाएगा। आपको बता दें कि सड़कों के हालत को देखते हुए ही पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने उक्त फैसला सुनाया है। रुपेश मामले में CBI जांच की मांग पर DGP सिंघल ने दिया बयान। रुपेश मामले को लेकर अब बिहार में CBI जांच की मांग सुनने में मिल रही थी, जिसके बाद रुपेश मामले में DGP सिंघल ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने यह कहा है कि रुपेश के परिवार की तरफ से अगर इस मामले को लेकर कोई याचिका दर्ज की जाती है तो राज्य पुलिस मुख्यालय मामले की CBI जांच की मांग पर विचार करेगा। रुपेश की पत्नी और उनके बड़े भाई ने पुलिस के इस दावे पर आपत्ति जताई थी, जिसमें बिहार पुलिस की तरफ से SSP उपेंद्र शर्मा ने यह कहा था कि रुपेश की जान कथित तौर पर 1.5 महीने पहले हुए वाक्य के कारण ली गई थी। वहीं रुपेश के बड़े भाई दिनेश सिंह ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान इस तथ्य पर सवाल उठाते हुए CBI जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने
इस पूरे मामले की निगरानी पटना हाईकोर्ट के तहत करवाए जाने की बात भी कही थी। मास्क से लेकर मखाना तक की खरीदारी अब हो सकती है डाकघर में। डाकघर में अक्सर लोग चिट्ठी पत्री और मनी ऑर्डर के लिए चक्कर लगाते देखे जाते हैं। हालांकि अब डाकघर की सेवाएं काफी ज्यादा बदल गई है, जिसके तहत अब डाकघर में आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अब यहां से मास्क से लेकर मखाना तक आसानी से लोगों को मुहैया करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के संचालन के साथ साथ पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने का काम भी बीते साल ही शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब डाकघरों में LED बल्ब, पंखा और गंगा जल समेत अन्य उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए खादी के मास्क के अलावा सैनिटाइजर तक उपभोक्ताओं को मुहैया करवाए जा रहे हैं। CM प्रोत्साहन योजना के तहत अब मैट्रिक के छात्राओं को दिए जाएंगे 10,000 रुपए। पिछले साल मैट्रिक की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलने वाला है, जिसके तहत पिछले साल कुल मिलाकर 5,494 छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिका को 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस बाबत DEO संजीव कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि 2020 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण 945 छात्राओं को और BC2 के 3,419 और सामान्य जाति के 1,030 बालिका को इस बार यह राशि दी जाएगी। इसको लेकर संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की विस्तृत ब्यौरे की मांग की गई है, जिसमें बैंक खाता समेत तमाम जानकारियां ली जाएंगी। यूरिया के खिलाफ कालाबाजारी करने वालों को सरकार नहीं देगी अब कोई राहत। बिहार के कई इलाकों से समय समय पर यूरिया की कालाबाजारी का मामला सामने आते देखा गया है, जिसको लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड में काम कर रही है, जिसके तहत सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जल्द ही समूचे बिहार में विशेष अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिससे कि अब रबी फसल के किसानों को यूरिया और खाद के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर कृषि विभाग ने अधिकारियों को इस पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दे दिया गया है। सभी जिलों के कृषि अधिकारी अब लगातार अभियान चलाकर कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से कसा तंज। तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं नीतीश सरकार को निशाने में लेने का। इसी क्रम में बीते दिन उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में यह पहले ही कहा था कि बिहार में सरकार और विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछो तो वो हड़प्पा काल की बात करने लगते हैं। धरना प्रदर्शन करिए तो नया फरमान जारी करने लगते हैं। दबाव बनाइए तो लीपापोती के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, वो कमजोर हो गए हैं और उनकी अब कोई नहीं सुनता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधी और माफिया राज कर रहे हैं। चिराग पासवान को KC त्यागी ने दी नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान के रुख ने सभी को हैरान कर दिया था, जिसके तहत चिराग पासवान ने चुनाव में अलग मैदान में उतरने का फैसला लिया था, जिसके बाद से ही लगातार जदयू और लोजपा के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं अब जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता KC त्यागी ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र लिखकर दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चिराग रामविलास पासवान का यह पाठ हमेशा याद रखे कि अलग रास्ते होते हुए भी रिश्ते की निरंतरता बनी रहे। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि लोजपा संसदीय बोर्ड ने उनके बारे में ऐसा वक्तव्य दिया जो वास्तविकता से दूर और भ्रामक है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के दौरान लोजपा ने सीट शेयरिंग की बात कभी भी की ही नहीं, बल्कि जदयू को तो इस बात की जानकारी बाद में लगी कि लोजपा ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी। अब महंगा हुआ सुधा दूध। बिहारवासियों का दूध पीना अब महंगा होने वाला है, क्योंकि सुधा ने दूधों के दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके तहत बिहार में सुधा डेयरी ने दूध समेत अन्य उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सुधा डेयरी ने प्रति लीटर दूध की कीमत में 2 रुपए की वृद्धि कर दी है। नए दरें 7 फरवरी से लागू होने वाली है। इससे पहले साल 2019 में नवंबर महीने में सुधा की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। कंपनी ने इस बाबत साफ किया है कि अलग अलग फैट के दूध की नई कीमत तय कर दी गई है, जिसका भुगतान अब पशुपालकों को किया जाना है, जिसके तहत पशुपालक को अब 30.74 रुपए प्रति किलो से लेकर 39.57 रुपए किलो की दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही दूध के मूल्य का करीब 0.5% समिति सचिव के मार्जिन में सशर्त वृद्धि की गई है। पंत के विकेट के पीछे की बातों की फिर शुरू हुई चर्चा। इन दिनों भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलती नजर आ रही है। वहीं हाल ही में भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चर्चा भी शुरू हो गई है। दरअसल हाल ही में BCCI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है, जिसमें ऋषभ पंत कहते नजर आ रहे हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक टप्पे पर गेंद मत डालो। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि गेंद सीधा आएगा तो यह मुश्किल में पाएगा। जब भारतीय खिलाड़ी लगातार गेंदबाजी कर विकेट नहीं ले पा रहे थे, तब पंत ने कहा कि यारो ऐसे नहीं चलेगा, बॉडी लैंग्वेज ऊपर
ऊपर उठानी पड़ेगी। चलो चलो जोश दिखाओ। आपको बता दें कि पहले मैच में इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम पर दबाव बनाने में कामयाब नजर आ रही है। सलमान खान ने लगाई घर वालों की क्लास। बिग बॉस सीजन 14 में आज शनिवार के वार में सलमान खान घर वालों की क्लास लगाते नजर आने वाले हैं। दरअसल वीकेंड का वार में आज सलमान कई खिलाड़ियों से तीखे सवाल जवाब करते नजर आ सकते हैं। बीते सप्ताह घर में जो कुछ भी हुआ, सलमान उससे काफी ज्यादा नाराज दिखाई देंगे। इसको लेकर हाल ही में एक नया प्रोमो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि निकी के राखी के मेकअप को लेकर दिए गए बयान पर सलमान का गुस्सा देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, सलमान ये भी कहते देखे जाएंगे कि ये क्यों सुनाई देता है कि सीजन के अंदर की कंटेंट के लिए कर रहे हैं। क्या मैं ये कंटेंट के लिए कर रहा हूँ? भाड़ में गया कंटेंट। जो हरकतें हो रही हैं घर के अंदर आप लोग बोल रहे हैं और वही हम लोग दिखा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के गठबंधन में लोजपा को एनडीए में शामिल होने का मौका जदयू को देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।